रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मंडल प्रभारी और पूर्व विधायक ईश्वर चंद शुक्ल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता के माध्यम से गोरखपुर जनपद के व्यापारी संगठन, मजदूर संगठन, स्वयंसेवी संस्था, अन्य संगठनों, दलों एवं आम जनता से मिलकर जनसंपर्क करते हुए 10 सितंबर को बढ़ते पेट्रोल डीजल की मार झेल रही जनता से अपील कर बंदी करने का आग्रह किया गया। सम्मानित जनों ने बंदी को सफल बनाने के लिए आश्वस्त किया, 10 सितंबर को भारत पूरी तरह बंद रहेगा। पेट्रोल डीजल से आम जनता, मजदूर, नौजवान, छात्र लोगों का भी सहयोग भरपूर मिल रहा है, बंदी पूरी तरह सफल होगा। कार्यक्रम में ईश्वर चंद शुक्ल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल अहमद, शरतेंदु पांडे, डॉक्टर प्रदीप पांडे, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, दिनेश चंद श्रीवास्तव, मार्कंडे सिंह, दिलीप निषाद, अनवर हुसैन मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व विधायक ईश्वर चंद शुक्ल ने कहा, ये दिन प्रतिदिन जो डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, तो उस संबंध में AICC द्वारा निर्देशित, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया कि पूरा भारत 10 तारीख को बंद किया जाए, किसानों की तरफ से बंद किया जाए, व्यापारियों की तरफ से बंद किया जाए, टैक्सी यूनियन, दूसरे लोग, व्यापारी वर्ग, सबसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं और कहें कि भैया ये आपकी महंगाई है, इसे बंद कर दिया जाए। हमारे जिला कांग्रेस महानगर के लोग कल गुलाब का फूल लेकर के पूरे शहर में सारे गली गली घूमे, जुलूस के रूप में सबसे अनुरोध किया कि एक दिन 9 बजे से 3 बजे तक दुकान बंद करें, आम जनता को कोई न हो, हम किसी से ज़बरदस्ती जोर नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम से दुकान बंद करिए और भारत सरकार को दिखाइए कि आप अन्याय कर रहे हैं। यही मोदी के लोग जब कांग्रेस की सरकार में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अपनी चरम पर था तो हम सस्ता डीजल और पेट्रोल बेच रहे थे, ये लोग कहते थे, मोदी जी, जेटली जी, मुख्तार अब्बास, खुद दूसरे लोग, राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, ये कहते थे कि ये अन्याय हो रहा है, कांग्रेस सबको ठग रही है, जनता के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, ये माफियाओं द्वारा लूट है। और आज जब इन्होंने, आज 73 रुपये डीजल हो गया, आज 82 रुपये पेट्रोल हो गया, इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, आज राफेल डील में कई 1000 करोड़ रुपया इन्होंने अपनी जेब में रख लिया, अपने दोस्तों मित्रों को दे दिया, आज किसान दर दर भटक रहा है, परेशान है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने भारत बंद कराने का आह्वान किया है। उसी के संबंध में आज प्रेस था कि हम लोगों से निवेदन करके कल भारत बंद कराएं। हमने सबसे निवेदन किया है दूसरी पार्टियों से कि आप आइए, क्योंकि किसी एक का मुद्दा नहीं, ये जन सामान्य का मुद्दा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों अध्यक्षों ने उन लोगों से बात की है और उम्मीद है कि उन लोगों का पूरा समर्थन है, वो समर्थन करेंगे भी।